एक बेहतरीन वीडियो उठ के दिखने के लिए अगर आप बैकग्राउंड में ब्लैक क्लॉथ यूज करते हैं तो आपका वीडियो काफी बेहतरीन दिखता है, क्योंकि डार्क पे अगर आप एक वीडियो बनाते हैं तो डार्क शेड पे आपका वीडियो काफी जबरदस्त दिखता है। तो उसी के लिए हमने एक ब्लैक क्लॉथ बुलाया है लेकरा का, और उसका करने वाले अनबॉक्सिंग और आपको टोटल रिव्यू बताने वाले कि किस तरीके से ये क्लॉथ आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। अब आप वीडियो बनाते होंगे या फिर और कोई आपका डिजाइन का काम होगा कि बैकग्राउंड में ब्लैक बैकग्राउंड में आपको कुछ फोटोज शूट करना है तो किस तरीके से आपको ये क्लॉथ लेना चाहिए, तो इसके बारे में हम टोटल रिव्यू सबसे पहले करेंगे इसका अनबॉक्सिंग और बाद में इसका टोटल हम रिव्यू करेंगे कि कौन सा ब्लैक क्लॉथ आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अनबॉक्सिंग हो गया और आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है इस तरीके से यहाँ पे दीवार को टांग दिया है। अब ये 8x9 का हमने लिया है और आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये काफ़ी थीन कपड़ा है दोस्तों, और बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे अल्टी पल्टी करके दो तीन अल्टी पल्टी किया उसके बाद में लगाया तो ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे आपको ये टोटल नहीं दिखने वाला है। ये दिखने में मतलब इमेज से डाल के रखते हैं पर जब आप इसको खरीदते हैं तब इनके जो क्लॉथ है वो काफ़ी थीन है। अब मैंने यहाँ पे देखा तो एक ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, मतलब जहाँ पे मैंने लटका है पीछे का, मतलब मेरे यहाँ पे एक जैसे ऐसा वाइट बैकग्राउंड है यहाँ पे मैंने लगाया तो पूरा वाइट शेड दिख रहा है। ब्लू कलर शेडेड में कपड़े हैं उस पर लगाया तो उसके ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे दो तीन पल्टी करने के बाद में लगाना पड़ा उसके बाद ही फिर भी ये उतना ब्लैक नहीं दिख रहा है। जो मैंने लिया आपको अच्छे खासे ब्लैक मिल जाएंगे, थोड़े कॉस्टिंग के साथ में जाइए अभी मैंने कौन सा लिया है उसका अभी हम रिव्यू कर लेते हैं। तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ मैंने लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8x9 ब्लैक लेकरा बैकग्राउंड ये लिया है। अब दिखने में तो इस तरीके से दिख रहा है पर ट्रांसपेरेंसी देखेंगे तो उसके पीछे का कलर आ जाएगा, और मात्र ये मैंने 330-340 में लिया है, मुझे मिला है पर मैंने दोस्तों ये रिटर्न भी कर दिया है। अब चले इनके जो इमेजेस इन्होंने डाल के रखे हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन्होंने इमेज डाल के रखे। जैसे ये इमेज है ये क्लॉथ यहाँ पे दिख रहा है इनका, उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने फोटो जो लगा कर रहे इस तरीके से आपको ये नहीं दिखने वाला है, आपको मैक्सिमम कॉस्टिंग के साथ लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने कुछ क्लॉथ देखे यहाँ पे, जैसे महंगे वाले देखे जैसे 10x12 के तो वो थोड़े कॉस्टिंग में ज़्यादा थे, उसके बाद में 8x9 ये थोड़ा कम का था इसलिए मैंने 8x9 का लिया कि मुझे लगा कि मेरा काम तो इतना ही है, ज़्यादा मुझे लंबे पर्दे की जरूरत नहीं है, 10x12 का कॉस्टिंग ज़्यादा ज़्यादा था तो मैंने छोटा वाला लिया, पर छोटे में भी बैकग्राउंड क्लियरली मेंशन आ रहा है काफ़ी थिन कपड़ा है। और जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया है इस तरीके से आपको नहीं दिखने वाला है, तो अगर आपको लेना है तो थोड़ा कॉस्टिंग के साथ में जाइए और ज़्यादा बजट के साथ में जाइए, या फिर आपको आपके मार्केट में लोकल मार्केट में मिलता होगा तो वहाँ पे लिए वहाँ से ले लीजिए। मैंने जैसे मेरा रहना नागपुर सिटी में है यहाँ पे मैंने लोकल मार्केट में गया पर वहाँ पे मुझे नहीं मिला, हो सकता है कि कहीं पे मिले पर इतना टाइम तो है नहीं कि मैं काफ़ी मार्केट घूम लूँ इतने से लिए, तो मैंने ऑनलाइन से परचेज किया पर यहाँ पे भी मेरा काम नहीं हुआ तो मैंने रिटर्न कर लिया। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ और इमेजेस रिव्यू कस्टमर के दिखा देता हूँ। रेटिंग इनको काफ़ी अच्छी मिली है, 1.47 रेटिंग है। रेटिंग देख के मैंने कपड़ा बुलाया तो यहाँ पे वेरीफाइड परचेजर का हम एक ले लेते हैं, ओनली डूइंग द जॉब नॉट कंफर्टेबल बैड क्वालिटी, तो क्वालिटी काफ़ी कम है तो सच में इसकी क्वालिटी काफ़ी कम है, और जैसे कॉस्टिंग के साथ में यहाँ पे भी देख सकते रियली नाइस, मतलब कुछ गुड कमेंट है कुछ बैड कमेंट है। अब हो सकता है यहाँ पे कोई गुड कमेंट भी देने वाले काफ़ी, पर वेरीफाइड जो बायर होते हैं उनके कमेंट,
तो यहाँ पे मुझे तो काफी थीन लगा और सच में थीन है और उतना ब्लैक शेडेड में नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा कॉस्टिंग के साथ में जाइए। यहाँ पे रेटिंग देख के मैंने बुलाया पर मुझे उतना पसंद नहीं आया। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे इमेजेस तो डाल के रखे हैं बट परफॉर्मेंस मैंने देखा तो थीन कपड़ा है, उतना मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने रिटर्न भी कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको क्लॉथ लेना होगा ब्लैक कलर में और आप चाहते होंगे कि आपको उसको अल्टी पल्टी करके लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, जी आपका काम हो जाएगा, पर सिंगल इसमें नहीं होने वाला है, वो बैकग्राउंड का कलर मैच कर लेगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, दिख जाएगा बैकग्राउंड का जो कलर आप जहाँ पे भी लगाते हैं, जैसे व्हाइट पे लगाते हैं तो व्हाइट दिख जाएगा, अगर ब्लैक आप लगाते हैं तो पीछे का कलर दिख जाएगा, और अगर आप दो तीन उसको फोल्ड करके लगाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको ये खरीदना होगा थोड़ा कम प्राइसिंग में तो आप खरीद भी सकते हैं, मेरा काम नहीं हुआ इसलिए मैंने इसको रिटर्न कर दिया। क्या आपने किसी ने बैकग्राउंड कलर का क्लॉथ लिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लेना चाहते हैं और लेने वाले हैं तो कौन सा आप लेते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं ताकि हमको भी कुछ आइडिया मिले कि कौन सा आप ले रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको लेना भी होगा तो यहाँ पे कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप ऑनलाइन में जाके चेकआउट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। सो बाय।